नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है आपका, एड द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर ये वर्ड्स में नंबर दिए हुए हैं, आपको पहले न्यूमेरल फॉर्म लिखना है। न्यूमेरल फॉर्म लिखना आपको पहले ही बता चुके हैं, जो भी आपका वर्ड में दिया है आप उसको रीड करके इजीली क्या कर सकते हो, उसका न्यूमेरल फॉर्म लिख सकते हो। न्यूमेरल फॉर्म लिखने के बाद आपको दोनों को अरेंज करना है, दोनों को अरेंज करने के बाद आपको एडिशन करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का ए करते हैं, ठीक है। 3,02,014 फर्स्ट क्या लिखा हुआ आपका, 3,02,014 हम इसको न्यूमेरल फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3,02,014 वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हो गया आपका। इसमें लगाइएगा प्लस का साइन, हमें क्या करना है, ऐड करना है, ऐड मतलब प्लस। अब नेक्स्ट लिखा है आपका 98,705 हमें यहाँ पे इसको लिखेंगे 98,705 ये लिख लिया आपने, आपके दोनों कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों को अरेंज करेंगे, दोनों को अरेंज करेंगे। पहले हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे 302014। नेक्स्ट इसके नीचे ये वाली लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं 5,07,89 ये प्लस, प्लस करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 4+5 9, 1+0 1, 0+7 7, 2+8 10 means 0, 1 carry, 9+1 10, 0 1 yes। ये आपका क्या आ गया यहाँ पे आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसे ही आपको कुछ वर्ड के फॉर्म में दिए हुए हैं, आपको पहले वो ऐसे न्यूमेरल फॉर्म में अरेंज करना है। न्यूमेरल फॉर्म में आप राइट करने के बाद आपको पहले भी अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद आप दोनों का एडिशन करके आंसर निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट और एक्सरसाइज 3 कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल।